हेलो गाइज, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कंप्यूटर नेटवर्क्स के अंदर जितने भी हमारे न्यूमेरिकल्स PYQ में आए हैं 5, 6, 7 साल तक के, में वो सारे न्यूमेरिकल्स में इसमें कवर करवा दूंगा। हाँ, वो न्यूमेरिकल में नहीं करवाऊंगा जो रिपीटेड है, ठीक है, क्योंकि अगर सेम क्वेश्चन दूसरी डिजिट्स के साथ रिपीटेड है तो उन क्वेश्चन को मैं यहाँ पे नहीं करूंगा। अगर थोड़ा सा भी चेंज क्वेश्चन आया है तो उनको मैं यहाँ पे कवर करवा रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा 2016-17 में पूछा गया था AKTU के अंदर, कंसिडर द यूज ऑफ 10K बिट साइज फ्रेम्स ऑन अ 10 Mbps सैटेलाइट चैनल विद 270 ms डिले। वॉट इज द लिंक यूटिलाइजेशन फॉर स्टॉप एंड वेट ARQ टेक्निक्स एज्यूमिंग P इज इक्वल टू 10^-3। सो ये हमारा क्वेश्चन है। अब इसमें गिवन क्या क्या है हमको पहले ये चीजें समझनी है, ठीक है। सबसे पहले हमको क्या गिवन है, फ्रेम साइज दैट इज 10K बिट, ठीक है। 10K बिट्स यानी कि 10,000 बिट्स फ्रेम साइज गिवन है, ठीक है। और हमको क्या गिवन है, 10 Mbps सैटेलाइट चैनल, यानी कि चैनल की कैपेसिटी गिवन है हमको 10 Mbps। अब 10 Mbps को आप बिट्स पर सेकंड में कन्वर्ट करोगे तो इट विल बी अराउंड 10 × 10^6 बिट्स पर सेकंड, ठीक। फिर आता है हमारा प्रोपोगेशन डिले जो हमको गिवन है 270 ms, यानी कि 0.27 सेकंड्स, ठीक। नेक्स्ट हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ फ्रेम एरर गिवन है हमको P = 10^-3, ठीक है। तो ये इतनी चीजें हमको गिवन है, हमको कैलकुलेट क्या करना है, लिंक यूटिलाइजेशन, ठीक है। लिंक यूटिलाइजेशन हमको कैलकुलेट करना है। तो देखो, लिंक यूटिलाइजेशन का सिंपल सा फॉर्मूला होता है, क्या होता है, फ्रेम ट्रांसमिशन टाइम अपॉन फ्रेम ट्रांसमिशन टाइम प्लस 2 × डिले, यानी कि 2 × डिले। तो ये हमारा लिंक यूटिलाइजेशन का फॉर्मूला है। बट ये फॉर्मूला कब यूज होता है, जब हमारा P यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फ्रेम एरर नहीं गिवन होती, ठीक है। बट यहाँ पे प्रोबेबिलिटी गिवन है तो हम पहले U कैलकुलेट करेंगे और फिर मैं बताऊंगा कि कैसे हम प्रोबेबिलिटी के थ्रू कैलकुलेट करते हैं फाइनल हमारा लिंक यूटिलाइजेशन जो होता है, ठीक। सबसे पहले अब इसके लिए हमको क्या चाहिए, फ्रेम ट्रांसमिशन टाइम और डिले हमको गिवन है, ठीक है। तो हम बस फ्रेम ट्रांसमिशन टाइम निकालते हैं। तो फ्रेम ट्रांसमिशन टाइम कैसे निकलता है, फ्रेम साइज अपॉन चैनल कैपेसिटी, ठीक है। तो निकालते हैं 10,000 बिट्स फ्रेम साइज हमको गिवन है, ठीक है। चैनल कैपेसिटी 10 × 10^6 बिट्स पर सेकंड, फाइनल आंसर क्या आएगा हमारा 10^-3 सेकंड, दैट इज 0.001 सेकंड, ठीक है। तो ये हमारा आ गया फ्रेम ट्रांसमिशन टाइम। अब हमको क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, राउंड ट्रिप टाइम, ठीक। राउंड ट्रिप टाइम क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं, क्योंकि टोटल टाइम हमें चाहिए रहेगा, ठीक है। टोटल टाइम हमें मिलेगा तभी हम क्या कर पाएंगे, लिंक यूटिलाइजेशन को निकाल सकते हैं, ठीक है। या तो आप मत कैलकुलेट करो टोटल टाइम, आप डायरेक्टली भी अगर FTT और मतलब फ्रेम ट्रांसमिशन टाइम और आपका 2 × डिले यहाँ पे पुट करोगे वैल्यूज तो भी आपका आंसर निकल आएगा। बट यहाँ पे मैं टोटल टाइम कैलकुलेट करवा रहा हूँ, ठीक है। तो राउंड ट्रिप टाइम कितना लगेगा हमको, टाइम फॉर अ फ्रेम टू गो टू रिसीवर एंड NACK टू रिटर्न, मतलब कि वो टाइम जो फ्रेम को रिसीवर तक जाने में और एक्नॉलेजमेंट को वापस आने में लगा, वो टोटल टाइम होता है राउंड ट्रिप टाइम, ठीक है। अब ये मैं क्यों कैलकुलेट करवा रहा हूँ, जरूरत नहीं है बट फिर भी करवा रहा हूँ, क्योंकि एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि व्हाट वाज द राउंड ट्रिप टाइम, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन स्पेसिफिकली आ गया तो आपको पता होना चाहिए कि राउंड ट्रिप टाइम कैसे कैलकुलेट होता है, ठीक है। सो सिंपल है, 2 × प्रोपोगेशन डिले, ये जो हमारा यहाँ पे लिखा हुआ है यही हमारा राउंड ट्रिप टाइम है, ठीक है। अब राउंड ट्रिप टाइम यहाँ पे निकालना है तो 2 × प्रोपोगेशन डिले, प्रोपोगेशन डिले 0.27 सेकंड्स, तो टोटल हमारा कितना गया 0.54 सेकंड्स। इसी वैल्यू को आपको यहाँ पे पुट करना था बस, और कुछ नहीं करना था, ठीक। अब फ्रेम ट्रांसमिशन टाइम आप ऑलरेडी निकाल चुके हो तो क्या करो, इन दोनों का सम ले लो, ठीक है। सो सिंपली क्या करना है, टोटल टाइम एक साइकिल के लिए आपको कैलकुलेट करना है, टोटल टाइम इज फ्रेम ट्रांसमिशन टाइम प्लस 2 × डिले या फिर राउंड ट्रिप टाइम। तो यहाँ पे FTT प्लस RTT हमने निकाल लिया, दैट इज 0.541 सेकंड्स, ठीक है। अब ये वैल्यू उठा के फॉर्मूले में डाल दो या फिर ये वैल्यू उठा के इस फॉर्मूले में डाल दो, एक ही बात है, ठीक है। फॉर्मूले में वैल्यू पुट करोगे तो क्या आंसर आएगा आपका, 0.00185, ठीक है। ये हमारा क्या आया, लिंक यूटिलाइजेशन विदाउट प्रोबेबिलिटी ऑफ फ्रेम एरर, ठीक है। अब विद प्रोबेबिलिटी ऑफ फ्रेम एरर जब हम कैलकुलेट करेंगे जो हमको गिवन है 10^-3, तो यू इफेक्टिव का फॉर्मूला क्या होता है, मतलब जो अब फ्रेम एरर के बाद जो हमारा यू इफेक्टिव आ रहा है वो कितना है, U × 1 - P, ठीक है, 1 - प्रोबेबिलिटी ऑफ फ्रेम एरर। तो यहाँ पे जब आप वैल्यूज को पुट करोगे तो 1 - 10^-3 यानी कि 1 - 0.001, दैट इज 0.999, ठीक है। इससे मल्टीप्लाई करोगे आंसर आएगा 0.00184185, ठीक है। सो ये आपका फाइनल आंसर है। इस तरीके से हम लिंक यूटिलाइजेशन कैलकुलेट करते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, 10 नंबर के अंदर पूछा गया था। 2-3 फॉर्मूले आपको याद रखने, आप इस मेन जो हमारा ये फॉर्मूला है इसको याद रखना और आप फ्रेम ट्रांसमिशन टाइम का फॉर्मूला याद रखना बस। बाकी अगर आपको राउंड ट्रिप टाइम अलग से पूछ लिया इस क्वेश्चन में तब आपको ये पता होना चाहिए कि 2 × डिले क्या होता है, राउंड ट्रिप टाइम। बाकी सिंपली इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करोगे आंसर मिल जाएंगे, उसके बाद फाइनल ये फॉर्मूला आपको लगा देना है अगर प्रोबेबिलिटी गिवन होगी तो, नहीं गिवन होगी तो ये फॉर्मूला यूज नहीं करोगे। ये जो लिंक यूटिलाइजेशन यहाँ पे आया यही हमारा फाइनल आंसर।
हो जाएगा, ठीक है। सो आई होप ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सो सेम उसी तरीके का क्वेश्चन यहाँ पे भी पूछा गया, बस इसमें थोड़े से चेंजेस हैं। ये क्वेश्चन है हमारा AKTU 2018 और 19 के क्वेश्चन पेपर का। अ चैनल हैज अ बिट रेट ऑफ 20 kbps। हमको क्या गिवन है, बिट रेट गिवन है, दैट इज 20 kbps और 20,000 बिट्स पर सेकंड, ठीक। द स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल विद फ्रेम साइज 4500 बिट्स इज यूज्ड। अब यहाँ पे फ्रेम साइज क्या गिवन है हमको, 4500 बिट्स। फिर द डिले फॉर एरर डिटेक्शन एंड सेंडिंग एक्नॉलेजमेंट बाय द रिसीवर इज 0.25 सेकंड। डिले हमको कितना गिवन है एरर डिटेक्शन और सेंडिंग एक्नॉलेजमेंट का, 0.25 सेकंड बिकॉज ऑफ अ फॉल्ट। फाइंड द मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ द चैनल इफ डेस्टिनेशन इज 30,000 किलोमीटर अवे। मतलब अब हमको डिस्टेंस क्या दे दी डेस्टिनेशन की, 30,000 किलोमीटर यानी कि 3 crore meters, ठीक है। ओके सो आगे बढ़ते हैं। तो और क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, एंड सिग्नल स्पीड इज 2.8 × 10⁻¹⁸ मीटर पर सेकंड। और अब यहां से इस डेस्टिनेशन से जो सिग्नल स्पीड है प्रोपोगेशन सिग्नल की, वो हमारा कितना है, 2.8 × 10⁻¹⁸ मीटर पर सेकंड। तो हमको क्या पता करना है, हमको दो चीजें पता करनी है। पहली चीज हमको मैक्सिमम एफिशिएंसी पता करनी है चैनल की, ठीक। दूसरी चीज हमको पता करना है क्या डिक्रीज ऑफ एफिशिएंसी आया ड्यू टू फॉल्ट, ठीक। तो अब देखो यहाँ पे क्या क्या कर रहे हैं। सबसे पहले हम करेंगे प्रोपोगेशन डिले को कैलकुलेट। तो कैसे करते हैं, TP = D/V। डी हमारा क्या है, डी हमारा डिस्टेंस और वी हमारा प्रोपोगेशन सिग्नल की स्पीड है, ठीक है। तो डी बाई वी आप निकालोगे 3 crore / 2.8 × 10⁸, आपका आंसर आएगा 0.107 सेकंड्स अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। तो ये आंसर आएगा। नेक्स्ट ट्रांसमिशन टाइम हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा। ट्रांसमिशन टाइम कैसे कैलकुलेट करते हैं, L/R। L हमारा क्या है, फ्रेम साइज, और R है हमारा बिट रेट। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका आएगा 0.225 सेकंड्स, ठीक। देन कैलकुलेट राउंड ट्रिप टाइम विदाउट फॉल्ट। अब RTT हमको कैलकुलेट करना है बिना फॉल्ट के, ठीक। पहले हम बिना फॉल्ट के कैलकुलेट करेंगे तब हमें इनिशियल एफिशिएंसी पता चलेगी, जब हम विद फॉल्ट कैलकुलेट करेंगे तब हमें मैक्सिमम एफिशिएंसी पता चलेगी फॉल्ट के बाद की, ठीक है। तभी हम डिक्रीज निकाल पाएंगे फॉल्ट की वजह से क्या हुआ, ठीक है। जब हमें पता होगा फॉल्ट के पहले क्या एफिशिएंसी थी, फॉल्ट के बाद क्या एफिशिएंसी है, तभी तो हम उनका डिफरेंस कैलकुलेट कर पाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले राउंड ट्रिप टाइम विदाउट फॉल्ट, ठीक है। तो विदाउट फॉल्ट क्या होता है, फॉर्मूला 2 × TP + TT। टीपी क्या है हमारा, प्रोपोगेशन डिले, और ट्रांसमिशन टाइम, इन दोनों का मतलब 2 × प्रोपोगेशन डिले प्लस ट्रांसमिशन टाइम होता है हमारा RTT, ठीक। तो ये हमारा फॉर्मूले में आप वैल्यूज पुट करोगे, आपको आंसर मिल जाएगा 0.439 सेकंड्स, ठीक। नेक्स्ट टोटल RTT इंक्लूडिंग फॉल्ट। अब इस बार हमें फॉल्ट का टाइम भी इंक्लूड करना है, तो क्या आएगी वैल्यू, RTT जो हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया प्लस जो हमारा फॉल्ट का टाइम है 0.25 सेकंड्स, ठीक। सो इनको ऐड करोगे तो आएगा 0.689 सेकंड्स अप्रोक्सीमेटली। अब इतना कैलकुलेट करने के बाद कुछ नहीं करना है, एफिशिएंसी के फॉर्मूले में वैल्यूज को रख देना है, काम खत्म, ठीक है। विदाउट फॉल्ट करने के लिए TT/RTT निकालेंगे, ठीक है। टोटल टाइम, टोटल ट्रांसमिशन टाइम कितना है हमारा, 0.225 सेकंड्स, ठीक है। तो ऊपर 0.225, नीचे RTT, ये हमारा कौन सा है, विदाउट फॉल्ट की एफिशिएंसी है, तो विदाउट फॉल्ट का RTT लेंगे 0.439, और हमारा एफिशिएंसी कितना आएगा 0.5125, और जब फॉल्ट के साथ लेंगे तो RTT टोटल कर देंगे, यानी कि TT/RTT टोटल, दैट इज 0.225/0.689 व्हिच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0.3265, ठीक है। ये समझ आया इतना। अब डिफरेंस निकालना है तो इससे इसको माइनस कर दो, डिफरेंस निकल आएगा सिंपली टोटल डिक्रीज इन एफिशिएंसी, एफिशिएंसी माइनस फॉल्ट एफिशिएंसी, तो कितना आ गया हमारे पास 0.186। तो अब आंसर कैसे आएगा हमारा, मैक्सिमम एफिशिएंसी विदाउट फॉल्ट, बिना फॉल्ट की क्या एफिशिएंसी थी, 51.25%। मैक्सिमम एफिशिएंसी विद फॉल्ट, फॉल्ट के साथ कितनी मैक्सिमम एफिशिएंसी थी, 32.65%, ठीक है। और डिक्रीज कितना आया एफिशिएंसी में, 18.6%, ठीक है। सो ये था पूरा क्वेश्चन का सॉल्यूशन, सिंपल है, 2-3 फॉर्मूले हैं, एक बार लिख के जरूर प्रैक्टिस कर लेना ये क्वेश्चन, अदरवाइज एग्जाम में भूल जाओगे क्या करना है, ठीक है। बस फॉर्मूले सुन के मत याद करना, एक बार कहीं पे लिख जरूर लेना, ठीक है। एक क्वेश्चन एटलीस्ट प्रैक्टिस कर लो, इसी क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लो चाहे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा AKTU 2018 और 19 के पेपर का ही, दैट इज एनकोड द डेटा स्ट्रीम दिस यूजिंग द फॉलोइंग एनकोडिंग स्कीम्स। हमें अलग अलग एनकोडिंग स्कीम्स दी हुई हैं और इनके बेसिस पे हमें इस पर्टिकुलर स्ट्रीम को एनकोड करना है। ये क्वेश्चन वैसे तो 10 नंबर में पूछा गया था, ठीक है। इस वीडियो के अंदर जितने भी क्वेश्चन है वो सब 10 नंबर के अंदर ही पूछे गए हैं, ठीक है। बट ये क्वेश्चन आपका 2 नंबर में भी पूछा जा सकता है एग्जाम में, क्योंकि ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं, ठीक है। तो यूनिपोलर, सबसे पहले हर एक स्कीम के अकॉर्डिंग देखते जाते हैं कौन सी स्कीम करती क्या है और कैसे हम एनकोडिंग करेंगे, ठीक। यूनिपोलर यूजेस सिंगल पोलैरिटी टू रिप्रेजेंट बिट्स 0 volt फॉर 0 एंड पॉजिटिव वोल्टेज फॉर 1। यूनिपोलर का काम क्या होता है, ये सिंगल पोलैरिटी यूज करती है, यानी कि सिर्फ
पॉजिटिव यूज करेगी 1 के लिए और 0 यूज करेगी 0 के लिए। तो देखो बिट यहां पे लिखी हुई है, एनकोडिंग किस तरीके से होगी, 1 के लिए पॉजिटिव और 0 के लिए 0, ठीक है, 1 के लिए पॉजिटिव 0 के लिए 0। तो इस तरीके से यूनिपोलर में हमारी एनकोडिंग होती है। देन बाईपोलर एनआरजेड एल का क्या मतलब है, नॉन रिटर्न टू 0 लेवल। अब नॉन रिटर्न टू 0 लेवल में चेंज क्या आता है, यहां पे दो पोलैरिटी यूज होती है, अलग अलग पोलैरिटी, ठीक है, 1 के लिए पॉजिटिव और 0 के लिए नेगेटिव, दैट इज 1 के लिए पॉजिटिव और 0 के लिए नेगेटिव। सिंपल एनकोडिंग स्कीम है, ये भी कर लोगे। नेक्स्ट आता है बाईपोलर एनआरजेड आई। देखो एनआरजेड एल और एनआरजेड आई में थोड़ा सा डिफरेंस है। एल में क्या होता है, जीरो लेवल नॉन रिटर्न होता है, यानी कि जीरो नहीं आएगा, नेगेटिव आएगा जीरो की जगह। नॉन रिटर्न जीरो इन्वर्टेड का क्या मतलब होता है, इन्वर्टेड का सिंपल सा मतलब है कि इन्वर्ट द सिग्नल इफ वन इज एनकाउंटर्ड। अगर कहीं पे वन आता है तो सिग्नल क्या हो हमारा, क्या हो, इन्वर्ट हो जाए, डज नथिंग इफ जीरो इज एनकाउंटर्ड। और अगर जीरो आता है तो सिग्नल में किसी भी तरह का कोई चेंज नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो वन पे पॉजिटिव स्टार्ट होगा, ठीक है, वन से स्टार्ट होगा पॉजिटिव, देन जीरो पे आए नो चेंज, ठीक है, जब जीरो एनकाउंटर होगा तो कोई भी चेंज नहीं होगा। तो जीरो पे नो चेंज पॉजिटिव रहेगा, जीरो पे नो चेंज पॉजिटिव रहेगा, अगेन वन आया, जैसे ही वन आएगा सिग्नल क्या होगा, इन्वर्ट हो जाएगा पॉजिटिव से नेगेटिव, फिर वन आया फिर इन्वर्ट हो गया नेगेटिव से पॉजिटिव, जीरो आया कोई चेंज नहीं, फिर वन आया पॉजिटिव से नेगेटिव, जीरो आया कोई चेंज नहीं, ठीक है। इस तरीके से इसकी एनकोडिंग होती है बाईपोलर एनआरजेड आई और बाईपोलर एनआरजेड एल में, बस यही बेसिक सा डिफरेंस में फिर से क्लियर कर देता हूं। यहां पे दोनों पोलैरिटीज यूज होती हैं, वन के लिए पॉजिटिव जीरो के लिए नेगेटिव। यहां पे वन आने पे पॉजिटिव से स्टार्ट तो करेंगे, ठीक है, जैसे ही वन एनकाउंटर होगा क्या होगा, यहां पे सिग्नल जो है हमारा वो चेंज हो जाएगा, ठीक। जीरो जब आएगा तो सिग्नल चेंज नहीं होगा, कंटिन्यूअसली सेम सिग्नल चलता रहेगा। अब देखो आरजेड क्या होता है, रिटर्न टू जीरो यूजेस थ्री लेवल, यहाँ पे तीन लेवल यूज होते हैं अलग अलग, पॉजिटिव फॉर वन, नेगेटिव फॉर जीरो, जीरो इन द मिडल ऑफ बिट, ठीक है। वन वाली बिट के लिए पॉजिटिव सिग्नल यूज होता है, जीरो वाली बिट के लिए नेगेटिव सिग्नल यूज होता है, और बिट्स के बीच में एक जीरो भी अटैच होता है, ठीक है। कैसे होता है अभी देखो, सो यहाँ पे आप देख सकते हो बिट्स लिखी हुई है 100110010, ठीक है। एनकोडिंग किस तरीके से, 1 के लिए पॉजिटिव, 0 के लिए नेगेटिव, 0 के लिए नेगेटिव, 1 के लिए पॉजिटिव, 1 के लिए अगेन पॉजिटिव, 0 के लिए नेगेटिव, 1 के लिए पॉजिटिव और 0 के लिए नेगेटिव। बट हर एक सिंबल के बाद एक एडिशनल 0 आ रहा है, मतलब हर दो बिट के बीच में एक एडिशनल 0 आ जाता है हमारा रिटर्न 0 वाले में, मतलब रिटर्न 0 वाला जो हमारा एनकोडिंग स्कीम है इसके अंदर, ठीक है, समझ में आ गई बात। नेक्स्ट है हमारा मैनचेस्टर, यूजर्स ट्रांजिशन इन मिडल ऑफ द बिट, बिट्स के मिडल में ट्रांजिशन यूज करता है ये, ठीक है। लो टू हाई फॉर वन, यहाँ पे लो टू हाई सिग्नल जाता है वन के लिए और हाई टू लो जाता है जीरो के लिए, ठीक। वन के लिए लो टू हाई यानी माइनस टू प्लस, जीरो के लिए हाई टू लो यानी कि प्लस टू माइनस। तो सेम इसी तरीके से इसकी भी एनकोडिंग कर लेना आप लोग, ठीक है, हो जाएगा, ये भी सिंपल है। माइनस प्लस वन के लिए, प्लस माइनस जीरो के लिए, प्लस माइनस जीरो के लिए, माइनस प्लस वन के लिए, ठीक है, इसी तरीके से ये चलता रहता है। एनकोड्स ए जीरो एज अ ट्रांजिशन, मतलब डिफरेंशियल मैनचेस्टर में क्या होता है, एनकोड्स ए जीरो एज अ ट्रांजिशन एट द स्टार्ट ऑफ द बिट पीरियड एंड वन एज नंबर ऑफ ट्रांजिशन एट द स्टार्ट ऑफ द बिट पीरियड। देखो सिंपल शब्दों में मैं बताऊं तो इसमें करना क्या है, आपको सिंपल सा बिट आपको गिवन है, ठीक, जहां जहां पे यहाँ पे वन आया हुआ है, ठीक है, वहां वहां पे हमारा नेगेटिव सिग्नल चलेगा यानी कि लो टू लो चलेगा, ठीक है, और जहां पे जीरो है वहां पे सेम इसी तरीके से हाई टू लो चलेगा। अब इसका रीजन ये है कि जीरो क्या है, ट्रांजिशन पे काम कर रहा है और वन क्या है, नो ट्रांजिशन पे काम कर रहा है, ठीक है। इसी वजह से देखो वन पे डबल नेगेटिव, जीरो पॉजिटिव नेगेटिव यानी कि हाई टू लो, फिर ये लो टू लो, लो टू लो, हाई टू लो, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे एनकोडिंग होती है बिट्स की। नेक्स्ट आता है हमारा AMI, दैट इज अल्टरनेट मार्क इन्वर्जन। अल्टरनेट मार्क इन्वर्जन यूजेस 0 वोल्ट फॉर 0 एंड अल्टरनेट पॉजिटिव एंड नेगेटिव फॉर 1। यहाँ पे 0 के लिए 0 वोल्ट यूज होता है और 1 के लिए अल्टरनेटिवली क्या होते हैं, हमारे जो सिग्नल्स होते हैं वो चेंज होते रहते हैं। तो क्या होगा, वन पे पॉजिटिव, देन अगले वन पे नेगेटिव, फिर अगले वन पे पॉजिटिव, फिर नेक्स्ट पे नेगेटिव, इस तरीके से अल्टरनेटली चेंज होता जाता है, जीरो पे जीरो आता जाएगा, ठीक है। आई होप ये भी समझ में आ गया होगा। सो ये हमारी कुछ स्कीम्स थी, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आया हुआ है, हो सकता है आने वाले एग्जाम्स में आ जाए, एक बार इसकी भी प्रैक्टिस आप लोग कर लेना। नेक्स्ट है, अ स्लॉटेड अलोहा नेटवर्क ट्रांसमिट्स 400 बिट्स फ्रेम ऑन अ शेयर्ड चैनल ऑफ 400 kbps, व्हाट इज द थ्रूपुट इफ द सिस्टम प्रोड्यूसेस 1000 fps, 500 fps एंड 250 fps। ये AKTU 2018-19 में पूछा गया था क्वेश्चन, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अलोहा के बारे में हो सकता है कि आपसे पूछ ले कि व्हाट डू यू मीन बाय अलोहा, वर्किंग पूछ ले स्लॉटेड अलोहा की और प्योर अलोहा की, ठीक है। तो वो सारी चीजें अभी मैंने प्रीवियस वीडियो में डाली हुई थी, वहां से जाके आप देख सकते हो। उसके अलावा ये न्यूमेरिकल उसके साथ अटैच में आ सकता है 5 नंबर से 10 नंबर के बीच, ठीक है।
गिवन क्या है इसमें हमको ये चीजें देखते हैं। पहले फ्रेम साइज गिवन है हमको 400 बिट्स, ठीक है। चैनल कैपेसिटी गिवन है 400 केबीपीएस, दैट इज 4 लाख बिट्स पर सेकंड, ठीक। बिट्स पर सेकंड में इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि डेटा हमारा पूरा बिट में है। फ्रेम रेट क्या गिवन है, 1000 FPS, 500 FPS और 250 FPS, ठीक। अब हमको पता है, जब मैंने अभी बताया था आपको अलोहा के बारे में पढ़ाया था, तो वहां पे मैंने एक थ्रूपुट का फॉर्मूला भी पढ़ाया था, ठीक है। क्या होता है थ्रूपुट, एस इज इक्वल्स टू जी इंटू ई टू द पावर माइनस जी, जहां पे जी क्या होता है हमारा फ्रेम रेट इंटू टी एफ, टी एफ क्या है फ्रेम टाइम, ठीक है। जी इज एवरेज नंबर ऑफ फ्रेम जनरेटेड बाई सिस्टम इन वन फ्रेम टाइम, एक फ्रेम टाइम में कितने फ्रेम सिस्टम जनरेट कर पा रहा है एवरेज नंबर उसका, वो ही होता है हमारा जी, ठीक है। फ्रेम टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, फ्रेम साइज अपॉन चैनल कैपेसिटी। तो फ्रेम साइज हमको गिवन है 400 बिट्स, चैनल कैपेसिटी गिवन है 4 लाख बिट्स पर सेकंड, दोनों को आप डिवाइड कर दो, ठीक है। आंसर क्या आएगा आपका 0.001 सेकंड, ठीक है। फ्रेम टाइम कितना निकल गया है 0.001 सेकंड। अब जी हमको कैलकुलेट करना है और उसके बाद जी की वैल्यू पुट करके एस कैलकुलेट करना है। तो जी कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, फ्रेम रेट इंटू टी एफ, टी एफ हमने निकाल लिया, फ्रेम रेट हमको तीन अलग अलग गिवन है, ठीक है। क्या करना है, सबसे पहले 1000 FPS के लिए जी कैलकुलेट करेंगे, जी की वैल्यू आएगी 1, ठीक है। देन एस कैलकुलेट करेंगे 1 × e^-1, ठीक है, 1 × e^-1, आंसर क्या आएगा 0.3679 FPS, ठीक। इसी तरीके से हम 500 के लिए और 250 के लिए भी कैलकुलेशन करेंगे, सेम यही प्रोसीजर है। इसमें कुछ भी नहीं करना था, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस दो तीन फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए, एक एस का फॉर्मूला, दूसरा जी का फॉर्मूला और तीसरा आपका फ्रेम टाइम यानी टी एफ का फॉर्मूला, बस कुछ भी और इसमें नहीं करना है, उठा के वैल्यूज पुट करनी और आंसर निकाल लेना है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो 500 FPS के लिए जी कैलकुलेट करेंगे 500 × 0.001, दैट इज 0.5, और फिर एस कैलकुलेट करेंगे 0.5, जी की वैल्यू आई है g × e^-g, फॉर्मूले में पुट किया, आंसर क्या आया 0.3033 FPS, ठीक है। इसी तरीके से 250 FPS के लिए कैलकुलेशन करेंगे, आंसर आएगा हमारा 0.1947 FPS। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। 10 नंबर के अंदर वैसे ये क्वेश्चन पूछा गया था, आने वाले एग्जाम्स में हो सकता है ये 10 नंबर में या 5 नंबर में पूछा जाए, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा AKTU 2018 और 19 और 22 और 23, 2 साल रिपीटेडली ये क्वेश्चन पूछा गया है। आईपी नेटवर्क 200.198.160.0 is using subnet mask 255.255.255.224 design subnets, हमें क्या करना है subnets design करने हैं। तो देखो ये question थोड़ा सा लगता तो है complicated, but complicated नहीं है, बहुत easy question है, बस समझते जाओ अभी समझ में आ जाएगा। subnet mask सबसे पहले हमको note करना है, क्या given है हमको 255.255.255.224, ये हमको given है subnet mask, इसको binary code में convert कर लो। कैसे होता है 255 तो 1111 8 टाइम्स, फिर 8 टाइम्स 1, फिर 8 टाइम्स 1, और फिर 224 का बाइनरी कोड क्या होता है 111 एंड 0000, ठीक है। तो इसको बाइनरी में एक बार कन्वर्ट कर लिया, अब क्या करना है, अब यहां देखो 5 बिट जो है लास्ट की, ठीक है, 1 2 3 4 5, ये 5 बिट हमारी जीरो है, यानी कि ये अवेलेबल है होस्ट एड्रेस के लिए, ठीक। हेंस 5 बिट्स आर अवेलेबल फॉर होस्ट एड्रेस, अब ये 5 बिट हमारी होस्ट एड्रेस के लिए अवेलेबल है। नंबर ऑफ वन इसमें कितने हैं टोटल, काउंट करोगे तो आप 888+3 कितना आएगा 27, ठीक है। डिफॉल्ट सबनेट मास्क फॉर क्लास सी नेटवर्क, अब क्लास सी नेटवर्क का जो डिफॉल्ट सबनेट मास्क होता है वो कितना होता है 255.255.255.0, ठीक है, ओ नहीं मतलब जीरो, ठीक है। तो यहां पे टोटल हमारी बिट्स कितनी होती है 24 बिट्स, इनको आप कन्वर्ट करोगे जब तो आपको पता चलेगा वन कितने बार आ रहा है यहाँ पे 24 टाइम्स। तो नंबर ऑफ सबनेट बिट्स, मतलब कि इस क्लास में जो ये सबनेट मास्क हमको डिफाइन है, ठीक है, इसके अंदर जो नंबर ऑफ सबनेट बिट हमारी है जो हम बना सकते हैं वो कितनी है 3 बिट, क्योंकि 27 वन है ऑलरेडी, ठीक है। इसमें से अगर हम सी क्लास को माइनस करते हैं दैट इज 24 बिट हटा देंगे तो हमें 3 बिट बचेंगी, यानी कि 3 बिट सबनेट बनाया जा सकता है, ठीक। नेक्स्ट नंबर ऑफ सबनेट्स, अब हमको कैलकुलेट करने की टोटल कितने सबनेट्स क्रिएट किए जा सकते हैं, ठीक है। तो उसका फॉर्मूला होता है 2 रेज टू द पावर 3 आप रखोगे तो 8 सबनेट आएंगे, देखो 8 सबनेट हमने यहाँ पे बनाए, ठीक है, टोटल 8 सबनेट आते हैं। नंबर ऑफ होस्ट पर सबनेट, अब हर एक सबनेट पे कितने होस्ट रहने हैं हमको, ठीक है, तो हर एक सबनेट पे 2 to the power 5, क्योंकि यहाँ पे 5 जीरो है, तो सिंपल सा काम करो 2 to the power 5 रख दो, आपका टोटल एड्रेसेस निकल के आ जाएंगे। अब होस्ट पर सबनेट 2 to the power 5 - 2 इसलिए किया है मैंने क्योंकि इसमें से दो एड्रेस ऐसे होंगे, ओवरऑल 32 बिट जो हमारा एड्रेस निकलेगा उसमें से दो एड्रेस ऐसे होंगे जो एक हमारा नेटवर्क का एड्रेस होगा और एक हमारा ब्रॉडकास्ट का एड्रेस होगा, ठीक, एक नेटवर्क का एड्रेस होगा, एक ब्रॉडकास्ट का एड्रेस होगा, बाकी 30 हमारे होस्ट एड्रेसेस होंगे, ठीक। तो सेम अब हमको क्या करना है, टोटल एड्रेस हमारा कितना आया 32 एड्रेसेस, जब 32 एड्रेसेस आया तो अब कुछ भी नहीं करना है, बहुत सिंपल तरीका है जो आपका यहाँ पे गिवन है,
ठीक है, आईपी नेटवर्क गिवन है 200.198.160.0, ठीक है, यहां से स्टार्ट करेंगे, 32 बिट तक लेके जाना है, ठीक है, 32 एड्रेसेस जनरेट करने, तो 1 से लेके 31 तक जनरेट हो जाएगा, ठीक है, 1 इंक्लूडेड रहेगा तो 31 तक जनरेट होगा, तो 31 तक जनरेट किया, फिर अगला कहां से 32 से स्टार्ट होगा 63 तक जाएगा, फिर 64 से स्टार्ट होगा 95, इसी तरीके से 32 ऐड होता जाएगा और हमारे क्या होते जाएंगे, सबनेट्स बनते चले जाएंगे, लास्ट में 255 तक आप पहुंचोगे, तो ये हमारा फाइनल लास्ट सबनेट होता है, ठीक है, लास्ट होस्ट एड्रेस होता है। अब देखो एक चीज मैं और क्लियर कर दूं, अब इतनी चीजें मैंने बताई, मैंने इसलिए बताई ताकि आपको चीजें क्लियर हो जाए, बट अगर आपको थोड़ा सा भी ये कॉम्प्लिकेटेड लग रही है चीजें, तो क्या करना है, जो भी आपको सबनेट मास्क दिया होगा उसको बाइनरी में कन्वर्ट करना, लास्ट में काउंट करना कितने जीरो आ रहे हैं, ठीक है, जितने भी जीरो आ रहे हैं लास्ट में 2 to the power दैट नंबर ऑफ जीरो, ठीक है, अब यहाँ पे 5 आए तो 2 to the power 5, अब जितना भी वैल्यू आपका आएगा आंसर, दैट इज यहाँ पे तो 32 आएगा, तो जितना भी वैल्यू आपका आएगा आंसर उतने आपको क्या बना देने हैं, उतने गैप पे एड्रेस बनाना स्टार्ट कर देना है, और कब तक जाना है, जब तक आप 255 तक नहीं पहुंच जाते, ठीक है, समझ आ गई बात, काम खत्म। सो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉलोइंग इज डंप ऑफ अ टीसीपी हेडर इन हेक्साडेसिमल फॉर्मेट। हमको एक टीसीपी हेडर का डंप दिया हुआ है जो कि हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में, ठीक है, एकेट्यू 2018-19 में 10 मार्क्स के अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया था, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको ये डायग्राम याद करना पड़ेगा, ठीक है, तो ये याद कर लेना, क्योंकि हो सकता है ये क्वेश्चन आए एग्जाम में और थोड़े बहुत वेरिएशंस के साथ आए, तो उस केस में आपको ये डायग्राम पता होगा तो आप इजीली आंसर को कर पाओगे, ठीक है। व्हाट इज द सीक्वेंस नंबर, पहला क्वेश्चन, सेकंड व्हाट इज द डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर, फिर व्हाट इज एक्नॉलेजमेंट नंबर, व्हाट इज विंडो साइज, ठीक है। देखो डायग्राम देखो, पहले यहां पे सोर्स पोर्ट नंबर, डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर, ठीक है, टोटल कितना साइज है इसका, 32 बिट्स का, ठीक, अब आधे आधे में ये मतलब 16 बिट का ये और 16 बिट का ये, सोर्स पोर्ट नंबर 16 बिट, डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर 16 बिट, सीक्वेंस नंबर 32 बिट्स, एक्नॉलेजमेंट नंबर 32 बिट्स, हेडर लेंथ 4 बिट, रिजर्व्ड 6 बिट, और ये हमारी कुछ एडिशनल यूनिट्स होती हैं, देन विंडो साइज आता है हमारा 16 बिट का, टीसीपी चेकसम 16 बिट का, और अर्जेंट पॉइंटर भी हमारा 16 बिट का होता है, ठीक है, यहाँ पे लेंथ आपको पूरी गिवन है, ऑप्शन और डेटा इसके अंदर अटैच नहीं है, ठीक है, पहले मैं बता देता हूँ। तो अब देखो क्या करना है, अब हमको बस ये डायग्राम देखते जाना है और हमें जो जो पूछा गया वो हमको निकालते जाना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, सोर्स पोर्ट नंबर और डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर, ठीक है, तो यहाँ पे पहली वाली में आपको क्या दिया है, सोर्स पोर्ट नंबर और डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर, तो ये वाला जो पहला वाला है आपका, इसमें चार जो है वो हमारे क्या है, सोर्स पोर्ट नंबर, और इधर के चार क्या है, डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर। तो डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर हमको सेकंड पे पूछा है, पहले पे क्या पूछा है, सीक्वेंस नंबर, तो सीक्वेंस नंबर तो पूरा 16 बिट का, ये पूरा हमारा सीक्वेंस नंबर है, कितना है ये हमारा हेक्साडेसिमल में लिखा हुआ है, ठीक है, इसको जब आप डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो वैल्यू आएगी 1, ठीक है, तो सीक्वेंस नंबर कितना आया 1। आगे बढ़ते हैं, डेस्टिनेशन पोर्ट अब निकालना है, तो ये देखो 0532 0532 0017 0017, इसमें ये हमारा जो स्टार्टिंग का चार है ये सोर्स का है, और ये जो एंड का चार है वो डेस्टिनेशन का नंबर है, ठीक है। अब क्या करना है, 0017 क्योंकि हमें डेस्टिनेशन पोर्ट का नंबर चाहिए, तो 0017 को हेक्साडेसिमल से कन्वर्ट कर देंगे डेसिमल में, तो आंसर कितना आएगा हमारा 23, ठीक है, 23 आंसर आएगा डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर का। एक्नॉलेजमेंट नंबर सेम इसी तरीके से निकालते हैं, एक्नॉलेजमेंट नंबर कहाँ पे गिवन है, सीक्वेंस नंबर के बाद, ये पूरा हमारा क्या है, एक्नॉलेजमेंट नंबर, तो हेक्स ऑफ दिस इज इक्वल्स टू 0, मतलब कि इसका डेसिमल ही कैलकुलेट करेंगे बेसिकली, ये हमारा हेक्स में गिवन है तो इसका डेसिमल वैल्यू क्या आएगी 0, तो एक्नॉलेजमेंट नंबर 0। विंडो साइज करना है, एक्नॉलेजमेंट नंबर के बाद आपका जो भी पूरा 16 बिट का एड्रेस गिवन है उसमें जो आपका लास्ट का चार डिजिट है, ठीक है, यानी 07FF, ये हमारा विंडो साइज दिखाता है, ठीक, 07FF क्या दिखाता है, विंडो साइज। तो विंडो साइज कैसे कैलकुलेट होगा, ये देखो 07FF विंडो साइज है हमारा, हेक्साडेसिमल में ये गिवन है, इसको डेसिमल में आप कन्वर्ट करोगे तो 2047 आएगा, ठीक। सो आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा, सिंपल क्वेश्चन है, 10 नंबर के अंदर पूछा गया था, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, एकेटीयू 2022 और 23 में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया, सीआरसी का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में सीआरसी लास्ट 2-3 साल से रिपीटेडली पूछा जा रहा है, तो हो सकता है इस बार भी एग्जाम में पूछा जाए, ठीक है। अ बिट स्ट्रीम 100001 इज ट्रांसमिटेड यूजिंग X³+1 जनरेटर पॉलिनोमियल। जनरेटर पॉलिनोमियल हमको गिवन है, हमको क्या करना है, सीआरसी कोड जनरेट करना है इस मैसेज के लिए। तो बहुत सिंपल तरीका होता है सीआरसी कोड जनरेट करने का। तो देखो यहाँ पे दिया क्या है हमको, गिवन क्या है यहाँ पे, स्ट्रीम गिवन है हमको 100001001, ठीक है, ये हमको स्ट्रीम गिवन है, यहाँ पे लिखी हुई है। देन जनरेटर हमको क्या गिवन है, X³+1। अब जनरेटर को हम कन्वर्ट कैसे करते हैं बाइनरी में, देखो और ध्यान से समझो, ये स्टेप याद रखना है आपको, ठीक है। कैसे कन्वर्ट करते हैं, X⁻⁰, X⁻⁰, X⁻⁰ और X⁻³, क्योंकि ये 3 तक गया है।
क्या करेंगे, जहां पे जीरो है ठीक है, जहां जहां पे मतलब जो जो वैल्यू इस इक्वेशन के अंदर गिवन है वहां वहां पे वन कर देंगे, बाकी जगह पे जीरो ठीक है। तो एक्स टू द पावर जीरो क्या होता है, वन, किसी की भी पावर जीरो वन होता है। वन गिवन है इक्वेशन में, हाँ गिवन है, तो यहाँ आ गया वन। एक्स टू द पावर वन गिवन है, नहीं गिवन है। एक्स टू द पावर टू गिवन है, नहीं गिवन है। एक्स टू द पावर थ्री गिवन है, हाँ इक्वेशन के अंदर प्रेजेंट है, तो यहाँ पे भी वन आ गया। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, इस तरीके से हम एड्रेस को जनरेट कर लेते हैं, मतलब बाइनरी कोड को जनरेट कर लेते हैं जनरेटर के लिए ठीक। अब जनरेटर के लिए बाइनरी कोड आ गया हमारा 1001। एन मतलब क्या होता है, लेंथ ऑफ जनरेटर ठीक है। अब इसकी जनरेटर की यानी कि ये जो कोड है इसकी लेंथ कितनी है, 4। तो हमको करना क्या है, बस एक सिंपल सा स्टेप आपको याद रखना है। नाउ एड 3 जीरोज एट द एंड ऑफ द स्ट्रीम, दैट इज एन माइनस 1 ठीक है। जितनी भी एन की वैल्यू आएगी उससे एक माइनस करके उतने नंबर ऑफ जीरोज आपको स्ट्रीम के एंड में एड कर देने हैं। हमारी इनिशियल स्ट्रीम ये थी ठीक है, जो क्वेश्चन में गिवन थी। अब 3 एक्स्ट्रा जीरो हमको इसमें ऐड करने हैं, तो 3 जीरो हम ऐड करेंगे और ये बन जाएगी हमारी नई स्ट्रीम। XOR की ट्रुथ टेबल आपको पता होनी चाहिए ठीक, मैं यहाँ पे लिखे दे रहा हूँ, बाकी आई होप आपको पता होगी ठीक है। 00 क्या होता है, 0 0 1 1 1 0 1 और 1 1 0। एक चीज इसमें याद रखना, जहां पे सेम होगा ठीक है, जहां पे आपका इनपुट सेम होगा वहां पे आउटपुट क्या आएगा, 0, और जहां पे इनपुट आपका डिफरेंट होगा वहां आउटपुट क्या आएगा, 1। यही होता है XOR का पूरा कॉन्सेप्ट ठीक है। अब देखो जनरेटर हमको क्या गिवन था, 1001 हमने निकाला था ठीक है। न्यू स्ट्रीम हमारी क्या निकल के आई, 1001 1101 000, यहां वाली भी ऐड हो गई ठीक है। ये पूरी हमारी न्यू स्ट्रीम निकल के आई, जनरेटर पता चल गया, न्यू स्ट्रीम पता चल गई। अब इनके बीच में XOR को परफॉर्म करा देना है बस, और कुछ नहीं करना ठीक है। तो XOR कैसे करवाते हैं, 1001 जनरेटर यहां लिखा ठीक है, अंदर लिखा न्यू स्ट्रीम। अब क्या करना है, सिंपली 1001 और इसको करते रहना है आपको कैलकुलेट। देखो यहां पे 11 है, XOR टेबल देखो, जहां पे 11 है क्या आउटपुट आ रहा है, 0। 00 पे क्या आउटपुट आ रहा है, 0। 00 पे अगेन क्या आउटपुट आ रहा है, 0। 11 पे क्या आउटपुट आ रहा है, 0 ठीक है। तो अब अगला आगे का नोट कर लो, 1101000 ठीक। अब जहां पे ये स्टार्टिंग के जीरोस को हमको इग्नोर करना है ठीक है, बस ये याद रखना, स्टार्टिंग में जो जीरोस आएंगे उसको इग्नोर करना है, कब तक, जब तक हमको 1 नहीं मिल जाता। तो यहां पे 4 जीरो ये इग्नोर हो गए, 1 मिला ठीक है। तो अब यहां से हम दोबारा से इसको नोट डाउन करेंगे, 1001 ठीक। अब इसको सॉल्व करो, 11 सेम उसी तरीके से, 11 पे 0, सेम पे 0 आएगा, डिफरेंट पे 1 आएगा। तो यहां पे 1 आया और यहां पे 0 आया, यहां पे भी 0 आया, फिर इन तीनों को नोट कर लो, 1 2 3 बच गए। नेक्स्ट 0 इग्नोर कर देंगे, फिर 1 आया तो यहां से नोट करेंगे, 1001 ठीक। कैलकुलेट करो, 11 पे 0, 00 पे 0, 00 पे 0, 01 पे 1 और 00 पे 00 ये नोट हो जाएंगे ठीक। अब देखो ये 3 जीरो इग्नोर करने, 100 बचा हमारा ठीक। बट यहां पे हमारा जनरेटर क्या है, 1001, ये 4 डिजिट का है, ये सिर्फ 3 डिजिट का है, तो अब आगे हम XOR परफॉर्म नहीं करवा सकते ठीक। तो फाइनल ये क्या आया हमारा, रिमाइंडर ठीक है, मैं R से लिख दे रहा हूं, रिमाइंडर क्या है हमारा, 100 ठीक। अब इस रिमाइंडर को मैं यहां पे लिख लेता हूं, रिमाइंडर क्या मिला हमको, 100 ठीक है। अब इस 100 को हम जो हमारी इनिशियल स्ट्रिंग, जो न्यू स्ट्रीम यहां पे आई थी ठीक है, जो यहां पे न्यू स्ट्रीम आई थी, इसमें कर देंगे ऐड ठीक है। तो ऐड कैसे करेंगे, इधर से 100, जब ये ऐड होगा तो क्या आएगा, 001 1011 1001। ये है हमारा सीआरसी कोड, ये सेंडर साइड का कोड है ठीक है। रिसीवर वाला क्वेश्चन इसमें नहीं गिवन है, मैं एक और क्वेश्चन अभी उठाऊंगा ठीक है, 21 22 का, इसमें रिसीवर का भी कोड फाइंड करना था, तो वो दोनों चीजें हम फाइंड करेंगे। बट यहाँ पे फाइनल हमारा सीआरसी कोड ये है। तो देखो कितना सिंपल है, बस 2-3 चीजें याद रखनी है और 10 नंबर आराम से कॉपी में मिल जाएंगे आपको ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2021 और 2022 का, जिसमें हमको क्या करना था, हमको एक स्ट्रीम गिवन थी, हमें सीआरसी जनरेटर पॉलिनोमियल गिवन था, सीआरसी एल्गोरिदम अप्लाई करनी थी, कैलकुलेशन निकालना था सेंडर और रिसीवर एंड के लिए ठीक है। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा, आप कोई रफ कॉपी लेके बैठे हो या कोई पन्ना वन्ना लेके बैठे हो, तो एक बार वीडियो पॉज करो, सेंडर वाला यानी कि यहां तक आप खुद से एक बार ट्राई करो सॉल्व करने का, और फिर जब मैं अभी बताऊंगा तो आप मैच करना कि आपका आंसर सेम आ रहा है या फिर नहीं आ रहा ठीक है। तो करके देखो, बाकी उसके बाद रिसीवर पे क्या करते हैं वो चीज अभी मैं बता दूंगा ठीक। ओके सो लेट्स स्टार्ट, जिन्होंने कर लिया है बहुत अच्छी बात है। स्ट्रीम क्या है हमारी, स्ट्रीम हमारी ये 11010 ठीक है। जनरेटर क्या है हमारा, इस बार पॉलिनोमियल चेंज हो गया, x³ + x + 1। तो इस बार क्या करेंगे, अगेन सेम इसी फॉर्मेट में x0 1 है हमारा ठीक है, प्रेजेंट है, x1 प्रेजेंट है
एक्स टू एबसेंट है तो 0 और एक्स थ्री प्रेजेंट है तो 1। ठीक, तो सिंपल हमारा जनरेटर का भी हमने यहाँ पे स्ट्रीम जनरेट कर लिया या बाइनरी कोड जनरेट कर लिया। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे अगेन हमको कितना गिवन है, n का साइज n इज इक्वल्स टू 4, तो हमको क्या करना है 3 0 ऐड करने हैं स्ट्रीम के एंड पे और नई स्ट्रीम बना लेनी है, हमने बना लिया। ठीक है, ये हो गया और 3 additional 0 n माइनस 1 जीरोज हमने यहाँ पे ऐड कर दिए इसके साथ। अब क्या करना है, टेकिंग जनरेटर एक्स और न्यू स्ट्रीम, मतलब जनरेटर और न्यू स्ट्रीम का एक्स और हमको लेना है सेम इसी तरीके से जैसे यहाँ पे किया है। तो जब आप एक्स और निकालोगे तो आपका फाइनल रिमाइंडर की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे रिमाइंडर की वैल्यू आएगी 10। ठीक है, रिमाइंडर की वैल्यू आएगी 10। अब हमें क्या करना है, रिमाइंडर को सिंपली यहाँ पे लिख लेना है और फिर सीआरसी कोड में अगेन ऐड कर देना है। हमारा क्या होगा, जो हमारा सेंडर साइड का सीआरसी कोड है वो यहाँ पे हमको मिल जाएगा। ठीक है, न्यू स्ट्रीम में रिमाइंडर हम ऐड करेंगे तो हमको सीआरसी कोड मिल जाता है, प्रीवियस क्वेश्चन में मैं बता चुका हूँ। अब देखो रिसीवर साइड पे क्या करना है, बहुत सिंपल चीज है, जनरेटर हमको पता है। ठीक है, जनरेटर हमने यहाँ पे निकाला था 1011। ठीक है, जनरेटर हमको पता है 1011। सीआरसी कोड जो हमारा यहाँ पे आया है, ठीक है, सेंटर साइड पे जो हमने सीआरसी कोड निकाला है, उस सीआरसी कोड को और जनरेटर को एक्सऑर परफॉर्म करवा देंगे, बस काम खत्म। जो हमारा आंसर आएगा वहीं से हमको पता चल जाएगा कि रिसीव हुआ है हमारा जो डेटा है या फिर नहीं रिसीव हुआ। ठीक, कैसे करते हैं, सेम उसी तरीके से 1011 जनरेटर और अंदर हमारा सीआरसी कोड ये वाला। ठीक है, ये वाला सीआरसी कोड और करा देंगे एक्सऑर, फाइनल हमारा आउटपुट क्या है यहाँ पे 0। ठीक है, 0 रिमाइंडर का मतलब है कि डेटा जो है वो रिसीव हो चुका है। अगर यहाँ पे 0 नहीं आता, कोई और वैल्यू आती, तो इसका मतलब होता कि डेटा हमारा रिसीव नहीं हुआ है। सो इस वीडियो में इतना ही था, जितने न्यूमेरिकल मैंने देखे हैं अभी पीवाईक्यूज में जो काफी ज्यादा पूछे गए और 10 नंबर के अंदर इंपॉर्टेंट लगे मुझे, वो सारे न्यूमेरिकल मैंने इस वीडियो के अंदर करवा दिए हैं। अगर आपको लगता है कोई और न्यूमेरिकल है जो 10 मार्क्स में आया और इंपॉर्टेंट है तो आप मुझे डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ पे सारा थ्योरी पार्ट हम लोगों ने ऑलरेडी कवर कर रखा है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द एग्जाम्स।